उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वो रोज जर्जर और अराजक होती जा रही है और इसकी हम घोर निंदा करनी चाहते हैं। उन्नाव में जो बहुत ही शर्मनाक घटना हुई थी पिछले वर्ष और जिस तरह से उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, यह अत्यंत ही चिंता का विषय है। जो ट्रक दुर्घटना हुई और जिस तरह से उस ट्रक के नंबर प्लेट को काला किया गया था, इससे ये साफ तौर पर झलकता है कि जो उपयुक्त है उनको ये संरक्षण देने की साजिश है। और इसके साथ साथ जो अमेठी में घटना हुई, जिस तरह से फौज के एक सेवानिवृत्त कप्तान को घर से निकालकर बेरहमी से मारा गया, ये सब इस बात का प्रतीक है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून और व्यवस्था की स्थिति है वो पूरी तरह से बिखर चुकी है और इसके लिए सीधा सीधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेदार है। हम ये मांग करना चाहते हैं उच्चतम न्यायालय से कि इस सारी जो उन्नाव का दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है उसकी जो जांच प्रक्रिया है, उसकी जो अदालतीय प्रक्रिया है, वो उच्चतम न्यायालय अपने संज्ञान में ले, जिससे कि ये जो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा है, जिस तरह से कथाकथित तौर पर अभियुक्तों की मदद की जा रही है और जो विक्टिम है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये तभी रुकेगा जब उच्चतम न्यायालय सीधे तौर पर इसमें दखल देगा और इस सारी जांच और अदालती कार्रवाई को अपने संज्ञान में लेगा।